हे एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज़ मी अभिषेक मुंगेकर एंड आई वेलकम यू बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वाओ। तो आज मेरा व्लॉग होने वाला है अबाउट जीवदानी टेंपल जो विरार में ही है। मैं और मम्मी जा रहे हैं जीवदानी में। हाय। तो जीवदानी में अराउंड 1400 कुछ सीढ़ियाँ है जो चढ़ के जाना होता है क्योंकि वो बहुत माउंटेन पे है। बट वहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट हुआ है जो है फनिकुलर ट्रेन, जिससे मैं और मम्मी आज जाने वाले हैं। तो मम्मी, आपको कितना साल हो गया वहाँ पे जाते हैं? मेरे को तो अभी 10 साल हुआ है काफ़ी, और अभी तो उधर कितना चेंज हुआ होगा। हाँ। चलो फिर अभी चले। चलो तो 10 साल के बाद हम लोग ऑलमोस्ट जा रहे हैं, क्योंकि मुझे रोज जाते समय हम लोग सबको दिखता है क्योंकि विरार स्टेशन से पूरा जीवदानी का माउंटेन दिखता है। और अभी मैं और मम्मी काफ़ी साल के बाद जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हुए रहेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स गो। हे सो गाइस, मैंने जीवदानी के लिए ऑटो रिक्शा की। हालांकि मेरे घर के बहुत ही नज़दीक है, बट सिंस थोड़ी धूप थी तो मैंने बोला ऑटो रिक्शा कर लेते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको सबसे पहले विरार रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा एंड देन फिर ईस्ट में आके आपको डायरेक्टली एक शेयरिंग ऑटो मिल जाएगी जीवदानी मंदिर के यहाँ पे, जिसका कॉस्ट होगा अराउंड 20 रुपीज़ पर पर्सन। अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर नीचे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप फूल वगैरह सब ले सकते हो या फिर जो चढ़ावा होता है वो सब आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं एंड ये जो है जीवदानी का मेन एंट्रेंस है जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है। पर आज हम लोग फनिकुलर ट्रेन से जाने वाले हैं तो ये उसके लिए लाइन है। तो पहले हम लोग फनिकुलर ट्रेन का टिकट लेंगे और फिर जाएंगे फनिकुलर ट्रेन एक्सप्लोर करने। तो फनिकुलर ट्रेन का जो कॉस्ट है वो है 200 रुपीज़ फॉर पर पर्सन, जो आपका रिटर्न टिकट होगा। एंड जैसे मैंने कहा, ये है मेन स्टेप्स जो आपको चढ़ के जाना है एंड इसके जस्ट ही पैरेलल में है फनिकुलर रेल ट्रैक, जिसे आज मैं जाने वाला हूँ। सो लेट्स गो। एक्चुअली जीवदानी जाने का मेरा प्लान लास्ट टू लास्ट वीक का था, बट यू नो बोलते हैं ना कि भगवान का जब तक बुलावा नहीं होता तब तक हम नहीं जा सकते। तो कुछ 50 to 60 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। सो टोटल दो ट्रेन में अराउंड 110 to 120 पीपल एकोमोडेट हो सकते हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि जीवदानी का जो मंदिर है वो 1500 फीट ऊपर है सी लेवल से, और मैंने कहा था कि यहाँ पर अगर आप सीढ़ियों से जाओगे तो आपको 1400 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे। और फनिकुलर ट्रेन से अराउंड कुछ 7 to 8 मिनट्स लगता है ऊपर पहुँचने के लिए। तो अभी हम फनिकुलर ट्रेन के अंदर है एंड नाउ लेट्स सी हाउ इज़ द एक्सपीरियंस। Oh,
सो वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं कहना चाहूँगा कि इस फनिकुलर ट्रेन की जो इंजीनियरिंग है वो बहुत अच्छी तरह से की है, मतलब बहुत ही स्मूथली ट्रेन ऊपर जाती है, यू नो कोई जर्क्स फील नहीं होते हैं। द ओनली वन थिंग आई थिंक कि यहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए था कि ये थोड़ा एयर कंडीशन होना चाहिए था। येस वी गिव 200 रुपीज़ फॉर दिस, बट यहाँ पे अंदर सिर्फ फ़ैन है तो ड्यूरिंग समर सीजन इट कैन गेट अ लिटिल बिट सफोकेटिंग, बट ओवरऑल बहुत ही स्मूथली ट्रेन जाता है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड कि ये महाराष्ट्र में सेकेंड फनिकुलर ट्रेन है, सबसे जो फर्स्ट फनिकुलर ट्रेन है वो नासिक के सप्तशृंगी देवी का जो मंदिर है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था, एंड दिस इज़ द सेकेंड इन महाराष्ट्र, एंड नाउ यू कैन जस्ट एन्जॉय एंड सी द पैनोरामिक व्यू फ्रॉम अबव। फाइनली वी आर एट द टॉप, एंड एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि ऊपर से कैसे व्यू आता है। सो दिस इज द ट्रैक और वो पॉइंट है जहाँ से फनिकुलर ट्रेन ऊपर आई है, एंड अभी यहाँ से आपको और 7 फ्लोर्स चढ़ने पड़ेंगे। बट जो ओल्ड एज पीपल हैं जिनको पैर का प्रॉब्लम है वो लोग लिफ्ट से जा सकते हैं, बट बाकी सबको 7 फ्लोर्स चढ़ के जाने पड़ेंगे। सो अभी आगे का जो वीडियो है वो मैं फ़ोन से शूट करूँगा बिकॉज वहाँ पे शूटिंग अलाउड नहीं होगी। मम्मी मम्मी चिटकेल दे दा, ट्राई करते गाइज़। वो आप देख रहे हो वो बारोंडा देवी का मंदिर है जो लास्ट टाइम मैं गया था ब्लॉग के लिए, एंड दिस इज़ अ फनिक्यूलर ट्रेन जहाँ से हम लोग ऊपर आए, और ये हमारा पूरा विरार का शहर है। सो नाउ इट्स द टाइम टू गेट बैक, एंड आप यहाँ पे ऊपर आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। देर आर अ फ्यू स्नैकिंग ऑप्शंस जो आपको ऊपर मिल जाएंगे, बट अगर आपको लंच या कुछ डिनर करना है तो आपको बेस में मिल जाएंगे कुछ रेस्टोरेंट्स। ओवरऑल मेरा जो फनिकुलर रेल का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इट वॉज़ रियली वेरी गुड, एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डू कम योर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो with your friends and family, and please do subscribe to my channel and keep watching Travel Wow.
फॉर मोर सच अपकमिंग ब्लॉग्स।